डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जयंती की रैली के जमन में जमात इस्लामी नांदेड़ ने बुक स्टॉल लगाई। जमात इस्लामी हिंद जहां एक तरफ मुसलमानों में इस्लाही काम कर रही है तो वहीं दूसरी तरफ दावत का फरीजा भी अंजाम दिया जा रहा है। जमात इस्लामी की जानिब से डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के यौम पैदाइश के जमन में शहर में निकाले गए जुलूस को देखते हुए नई आबादी के मकाम पर बुक स्टॉल लगाई गई। बुक स्टॉल पर इस्लाम की बुनियादी तालीमात पर मबनी किताबों के अलावा डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के इस्लाम से मुतालिक नजरियात पर मबनी किताबें भी दस्तियाब करवाई गई। जुलूस में शामिल लोगों ने जमात के बुक स्टॉल पर पहुंचकर इस्तिफादा किया और कई किताबें हासिल की। किताबों के अलावा शख्सी तौर पर मुलाकात करके भी इस्लाम के बारे में मालूमात हासिल की गई। जमात इस्लामी हिंद खड़कपुरा व वजीराबाद सर्कल की जानिब से हर साल की तरह इस साल भी दावती बुक स्टॉल का अहतमाम किया गया है। आज अम्बेडकर जयंती के ज़िमन में हर साल की तरह दावती स्टॉल लगाया जाता है, इस साल भी जो है उसका अहतमाम किया गया है, जिसमें कई हमारे बरादरान वतन ने यहाँ से जो है तो इस्लामिक बुक ख़रीदी है, परचेस की है। जैसा कि हम जानते हैं कि जमात इस्लामी हिंद का जो असल मकसद इकामत दीन है और वो 7 मदों में काम करती है, उसमें से पहला जो मद है वो दावत दीन यानी अल्लाह के दीन की तबलीग करना। तो यहाँ पर इसका एक अहम बुनियादी मकसद जो है वो इस्लाम की तबलीग करना है। जैसा कि हम जानते हैं कि डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर इन्होंने जो दस्तूर हिंद जो बनाया है, उस दस्तूर हिंद के अंदर एक अहम हक की तरफ है कि वो कोई भी अपने मजहब की तबलीग कर सकते हैं। लिहाजा इसी दस्तूर हिंद के ज़िमन में इस्लाम का पैगाम को बरादरान वतन तक पेश करना, उसको आम करना, ताकि आपस में जो गैर समझ है उसको दूर किया जा सके, और इसी ज़िमन में जो है तो आज का ये दावत बुक स्टॉल लगाया गया है। मी चंद्रकांत ठाणेकर नांदेडमध्ये राहतो, कोचिंग क्लासेसच्या माध्यमातून विद्यार्थ्यांना ज्ञान प्राप्त करून देण्याचा प्रयत्न करतो। इस्लाम धर्माचा आणि मुस्लिम धर्माचा अभ्यास हा विद्यार्थ्यांना तेवत ठेवणारा आहे। निसर्गामध्ये असणाऱ्या नैसर्गिक साधनसंपत्तीचा वापर कुठल्या पद्धतीने केला पाहिजे, निसर्ग ईश्वर हे दोघांमध्ये असलेले भेद किंवा मान्य अमान्य गोष्टी हे प्रत्येक विद्यार्थ्यापर्यंत, व्यक्तीपर्यंत, महिलांपर्यंत पोहोचला पाहिजे, कारण निसर्गाचा ऱ्हास होत चाललेला आहे, साधनसंपत्ती संपत आहे आणि अल्लाह म्हणजे ईश्वर हे एकच आहे आणि प्रत्येकाने त्याचा प्रसार आणि प्रचार केला पाहिजे। तो स्वतःचा आत्मविश्वास ठेवून या ईश्वरांचा वापर केला पाहिजे आणि मग जमात इस्लामांचा प्रसार केला पाहिजे, प्रचार केला पाहिजे आणि स्वतःवर आत्मविश्वास ठेवून तो माणूस निसर्गात कशा पद्धतीने जगला पाहिजे, एक सबका मालिकी एक म्हणजे ईश्वर एकच आहे त्याची श्रद्धा ठेवूनच माणूस जीवन जगला पाहिजे। मोहम्मद पैगंबरांच्या ज्या काही तत्वांचा मूल्यांचा अभ्यास केला पाहिजे, मुलांना कुराण हे काय आहे। आज हे जे जमात इस्लामी तर्फे हे जे काउंटर लावण्यात आलेला या संदर्भात तुम्हाला काय मतलब काय? या इस्लामाच्या शिकवणांची मुलांना व्यक्तींना प्रसार झाला पाहिजे, हा काउंटर लावण्याचा एकमेव उद्देश असा होता की धर्माचा प्रसार झाला पाहिजे, प्रचार केला पाहिजे आणि प्रत्येकाला हे ज्ञान प्राप्त झालं पाहिजे आणि तो ज्ञान सर्व व्यक्तीपर्यंत पोहोचला पाहिजे, हा मूळ उद्देश या काउंटरचा आहे।